दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोग को अपनी ब्लॉग में आप लोग को मैं दिखाऊंगा माँ भद्रकाली मंदिर परिसर जो चतरे उनके मुख्य द्वार में मैं खड़े हूँ। उसके बाद मैं आपको बारी बारी करके एक एक घर में बताऊंगा माँ भद्रकाली मंदिर। ये माँ भद्रकाली मंदिर का मुख्य द्वार है जो मुख्य गेट है, यहीं से होकर हम लोग को एंड करना है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर है। यहाँ बहुत से हजारों श्रद्धालु रोज जाते हैं पूजा अर्चना करके। आप देख सकते हैं गाइस, जो मंदिर का प्रवेश द्वार है मुख्य मंदिर माँ भद्रकाली मंदिर की प्रवेश द्वार है, काफ़ी रास्ते से लोग जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। देखिए यहाँ सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। ये माँ भद्रकाली मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। भारत का एक रामायण या महाभारत में इसके नाम जुड़ा हुआ है, जो चतरा इटखोरी में अवस्थित है माँ भद्रकाली। मैं चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर। आप एक मरतब आए अपने फैमिली के साथ में और यहाँ पूजा अर्चना अवश्य करेंगे। कबरगढ़ सोफे कैसा खुदा बताएंगे, जिन रूप में महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती और भाग्य आपका जो होता, जिन रूप में महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती बाएँ अंग कबरगढ़ सोफे कैसा खुदा बताएंगे। दोनों पर जो है सो विष्णु है और कमल के आसन पर है महालक्ष्मी। दर्शनार्थी लोग जो आते हैं उनका मनोती पूरा होता है, मनोकामना पूरा होता है। और दोस्तों जैसा कि मैंने मुख्य पुजारी द्वारा आपको यहाँ बताया कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होते हैं। और देख रहे हैं कि यहाँ तो मंदिर कलाकृति से सजा हुआ है, रोज लाखों श्रद्धालु लोग आते हैं पूजा अर्चना करते हैं। और दोस्तों में अगर आप माँ को मानते हैं, माँ को दिल से मानते हैं, आप देखकर को रामगढ़ जिला गोला प्रखंड से स्थान का नाम क्या है, क्या है इसका भी कुछ हो? इसका तो हम उतना नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन जानते हैं एक सिद्धपीठ है, जैसे हम लोग का रद्रप्पा मंदिर है इस तरह का ही भद्रकाली भी जी सिद्धपीठ। इसका भी वेद पुराण का बात आता है, यही कोई शास्त्र में आता है कि जैसे आवृत्ति जो हम लोग कहीं बनाते हैं उस तरह का नहीं है। अच्छा, प्राचीन है, प्राचीन का ही मूर्ति है। और जैसा कि आप देख रहे हैं गाय जी, यहाँ जितने भी स्टैचू देख रहे हैं आप, यहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर में देखें भगवान हनुमान जी का, शनिदेव जी का, भगवान भोलेनाथ जी का जो 1000 शिवलिंग से जुड़ा हुआ था, ये तमाम लोग आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करके जाते हैं। फिर के लेफ्ट साइड में ये यज्ञ मंडप है और यहाँ पर यज्ञ मंडप किया जाता है। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्टोन दिख रहे हैं, ये बहुत ही पुरानी स्टोन है, इन्हीं से शिव मंदिर बना हुआ था, लेकिन ये धीरे धीरे ज़मीन के अंदर धंस गया, उसे खुदाई करके ये सब पत्थर सब निकाला गया है। और उसी पत्थर के मैं आपको गेट में दिखा रहा हूँ कि भोले शंकर जी का मंदिर में ये मुख्य पत्थर से ही गेट बना हुआ है, ये कोई सीमेंटेड नहीं है। और कुछ ऐसा भाग है जो सभी मिले हैं और यहाँ के कारीगरों या मिस्त्री द्वारा उसको जोड़ जोड़ करके स्थान में लगाया हुआ है। ये पूर्ण रूपेण पत्थर का गेट है।
और इसके ऊपर में भगवान श्री गणेश जी का विराजमान किया हुआ है और लाखों श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए। देख सकते हैं आप, आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने लोग आते जाते हैं इस मंदिर में और पूजा अर्चना करते हैं। गैज में यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि और यहाँ और यहाँ सुंदर भी मिलता है। ये मंदिर की हर तरफ बहुत ही सुंदर वातावरण है और यहाँ की साफ सफाई, रख रखाव, यहाँ की कमेटी, यहाँ के कार्यालय के माध्यम से बहुत ही सुंदर सुसज्जित है मंदिर की हर दिशा में। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हर तरफ बहुत ही सुंदर ढंग से बना हुआ है। आप देख सकते हैं जो माँ भद्रकाली मंदिर की ये खूबसूरत से प्रतिमा इसके मंदिर में बसे हुए हैं और उसके अगल बगल में जो आप देख रहे हैं हर तरफ से स्टील का बैंड लगा हुआ है। गैज, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अपने ब्लॉग के माध्यम से आप रजरप्पा यहाँ में, हमें यहाँ ये चीज़ अच्छा लगा कि यहाँ जो भी पुजारी लोग पूजा करते हैं तो आपको खुल करके कभी दान दक्षिणा नहीं मांगते हैं। आपको जितना श्रद्धा हो, जितना आपकी शक्ति हो, आप यहाँ दान करें और जाएं, आपको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये चीज़ हमको देखने को बहुत अच्छा मिला और ये सरकार की निगाहों में बस ये कार्यालय है, माँ भद्रकाली माँ के ये कार्यालय जो यहाँ हर चीज़ देख रेख करते हैं। काउंटर में टिकट विकट लगा हुआ है और ये मुख्य द्वार की महागल में एकदम साक्षात स्टैचू खड़ा हुआ है, देखिए, जिसे हम लोग दरबान के नाम से संबोधित करते हैं। और ये मंदिर के प्रवेश द्वार में है, ये दोनों तरफ प्रवेश द्वार में लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है और बहुत सुंदर, और ये तमाम माँ भद्रकाली की इच्छा शक्ति से ध्यान शांति प्रदान रखती है और यहाँ की हर समस्या को समाधान करती, हर दुखों को हर लेती है इस क्षेत्र में, और इसी को लोग यहाँ आकर के पूजा अर्चना करते हैं और अपने मन को शांति प्रदान करते हैं। और देखिए, मैं पूजा अर्चना करते हुए बाहर में निकल चुका हूँ और देखिए पावली की भी हर तरफ पूरा है। मैं हर तरफ से आपको दिखा रहा हूँ प्रवेश द्वार का दूसरे भाग में है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ब्लॉग को अब यहीं समाप्त करना चाह रहा हूँ कि पूजा अर्चना हो गई और आप लोगों को मैं माँ का दर्शन कराया। हमारे इस ब्लॉग को पसंद करें और पसंद करके आप लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ भद्रकाली, जय माता।